ओके okay. देखो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज एचटीएमएल बेसिकली. सो एचटीएमएल एक मार्कअप लैंग्वेज है जो कि मैंने बोला कि वेबसाइट को बनाने के लिए काम आती है. ठीक है, मोस्ट ऑफ द वेबसाइट एचटीएमएल में है और होते हैं. तो एचटीएमएल क्या होता है बेसिकली, इसी वेब पेजेस जो हम लोगों ने वेब पेजेस का मतलब समझा था, तो वो वेब पेज को बनाने के लिए हम लोग एचटीएमएल का यूज करते हैं. ठीक है, उसमें बेसिकली ये जो लैंग्वेज है ये मार्कअप लैंग्वेज है और ये पेजेस का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज होती है. मतलब हमारी वेबसाइट की जो वेब पेज है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को. ये जो लैंग्वेज है इसका, ये क्या करती है, डेटा को बस फॉर्मेट करती है. लाइक देखो मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आपको कि अगर आपके पास कोई डेटा है और आपको उसको हेडिंग में जैसे दिखाना है, या फिर पैराग्राफ में दिखाना है, या फिर आपको इमेज दिखानी है आपके वेब पेज पे, ये लैंग्वेज आपको काम करेगी. वो आपको टैग्स देगी, टैग्स बेस्ड ये लैंग्वेज है. टैग के अंदर हम लोग जब कंटेंट डालेंगे तो वो कंटेंट पे वो टैग का जो मतलब है वो इफेक्ट करेगा. लाइक अगर मैंने दो H1 टैग है सपोज, अभी आप बोलोगे कि ये टैग्स हमको कहाँ से मिलेंगे, इन लोगों ने देके रखे हम लोग को. हमें बस क्या करना है, पूरे HTML सेशंस में हमें बस समझना है कि किस टैग का क्या यूज है. ओके, किस टैग का क्या यूज है, बस हम लोग फिर यूज करेंगे. इतना ही समझना है हम लोग को, बाकी सबका तरीका सेम है यूज करने का, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है. ठीक है, मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे. देखो टैग बेस है तो टैग हमको पता चल जाएंगे. और दूसरी बात यहाँ पे कि ब्राउजर डोंट डिस्प्ले टैग इट्स रेंडर कंटेंट. मतलब क्या है कि आपको ब्राउजर, देखो अगर आप लोग अमेजोन पे जा रहे हैं या फिर कोई वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वहां पे आपको ये नहीं मिलेगा, उसका जो आपको टैग नहीं दिखाई देंगे, वहां पे आपको कॉन्टेंट रेंडर होकर दिखाई देगा. अभी आई सपोज मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट देखो, मैं अभी एक एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को. यहाँ पे देखना, मैं यहाँ पे गया ओके, और मैंने कहा amazon.in की तरफ. मुझे बताओ, देखो ये जो है ना ऑटोमोटिव एसेंशियल्स एंड ये, तो ये मुझे बोल्ड दिख रहा है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो बिहाइंड द सीन इसके पीछे टैग है. लाइक देखो यहाँ पे देखो H2 टैग है, राइट. क्या है, HTML का कोड है ये जो है ना, यहाँ पे HTML का कोड है ये सब कुछ. देखो ये क्या है, ऑटोमोटिव एसेंशियल्स, ये H2 टैग में लिखा है. तो जो कंटेंट टैग में लिखा हुआ होता है उसको, मतलब ये जो H2 का जो मतलब होगा ना वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा. ठीक है, लाइक अगर अगर मैं दूसरी चीज बताऊँ आपको, लाइक देखो यहाँ पे इमेज पे मैं जाता हूँ. यहाँ पे देखो इमेज एक टैग है ओके, उसके अंदर हमको URL दी हम लोगों ने इमेज की. इस तरह से काम करता है. मतलब क्या, टैग होगा, कॉन्टेंट होगा, और अभी ये समझना है हम लोग को ये क्या होता है, ये जो यहाँ पे ऑल्ट दिया है, SRC दिया है, क्लास दिया है, डेटा, ये सब क्या होगा ना, हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे. आपको ये तो समझा होगा टैग किस तरह, किसको बोलते हैं टैग, इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड देन हम लोग क्या बोलेंगे उसको, टैग बोलेंगे, बीच में टैग का नाम होगा. तो मैं थोड़ा सा सिंटेक्स लिखता हूँ यहाँ पे. लाइक देखो टैग का नाम होगा, टैग नेम कोई भी टैग होगा, क्लोज करेंगे, यहाँ पे आपका कॉन्टेंट होगा, कॉन्टेंट बोलो या फिर डेटा बोलो, एंड देन आप इसको क्लोज कर लो सेम टैग नेम के साथ. ठीक है, ये आपका बेसिक सा एक सिंटेक्स होगा. यहाँ पे क्या चेंज होने वाला है कि कंटेंट चेंज होते रहेगा आपका, और इन दोनों का जो इफेक्ट है वो इसके ऊपर पड़ेगा. मतलब ये जो टैग के अंदर हम लोग जो भी लिखेंगे ना यहाँ पे, इसका जो मतलब होता है टैग का वो इसके ऊपर अफेक्टेड हो जाएगा. लाइक हम लोग अगर H1 टैग यूज करें तो H1 टैग क्या, हेडिंग के लिए है. ठीक है, अगर हेडिंग के लिए है तो बीच वाला कॉन्टेंट क्या बनेगा उसके, इसका जो मतलब है ना वो इफेक्ट इस पे हो जाएगा. ठीक है, अब आप सोच रहे होगे यार ये किसको पता चलेगा, ये कैसे कौन करेगा ना, इसका मतलब कौन समझेगा और कौन करेगा. तो हमारा जो ब्राउजर होता है, हमारा जो ब्राउजर होता है लाइक कोई भी ब्राउजर पकड़ लो आप, ठीक है, वो जो ब्राउजर होता है वो ये काम करता है. ठीक है, मतलब वो इसको ट्रांसलेट, इसको समझ, इसका जो है ना, इसका जो टैग का मतलब है ना ये हमें तो पता है, बट ये अप्लाई कौन करता है समझ के, तो इसको मालूम है ब्राउजर को. ठीक है, तो ब्राउजर के ऊपर ही ये HTML का चल जाता है. ओके, देखो यहाँ पे इस तरह से ये जो फोटोज है ये सब कुछ दिख रहा है ना, पूरे फोटो वगैरह ये भी हम लोग HTML में करेंगे आगे आगे. यहाँ पे हमको मल्टीपल टैग्स देखते हैं, मल्टीपल टैग्स, अलग अलग तरीके के अलग अलग टैग देखेंगे ओके, और उसको समझेंगे हम लोग, फिर हम लोग एक एक करके प्रैक्टिकल भी करेंगे उसका भी. हम लोगों ने ये HTML तो समझा, थोड़ा हिस्ट्री देख लेते हैं कि
एक्चुअल में HTML का हिस्ट्री क्या है। ठीक है, क्या वो अच्छा स्क्रीन आपको नहीं दिख रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। अच्छा फिर आई थिंक राजश्री आपका जो है ना वो मुझे लगता है इंटरनेट का इशू है या ऐसे कुछ, रिजाइन करो आप वापस से, सबको तो दिख रहा है बाकी लोगों को, आपको इशू क्यों आ रहा है? आई थिंक आप नेटवर्क में नहीं हो गए शायद। सो देखो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ HTML, सो लुक व्हाट इज मतलब ये हिस्ट्री क्या है इसकी, किसने बनाया उसको, बनाया किंग बर्नर्स ली ने, ओके, और उसके जो अदर जो मेंबर्स थे रॉबर्ट के लिए वो सब लोगों ने 1989 में, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका मतलब कि हाइपर टेक्स्ट मींस क्या, द डॉक्यूमेंट कंटेन्स लिंक्स दैट अलाउ टू रीड टू जंप अदर प्लेसेस। मैंने उस दिन आपको बताया था याद है कि मैंने आपको लिंक विकिपीडिया में लेके गया था और वहां पे मैंने काफी कुछ आपको लिंक्स बताए। सो एक्चुअल में जो है ना वो एक कोई पेज वेब पेज होगा, ठीक है, मतलब सिंपल टेक्सचुअल डेटा होगा जिसपे हम लोग क्लिक करेंगे, मतलब लिंक की बात हो रही है, ठीक है, क्लिक करेंगे तो वो दूसरे पेज पे लेके जाएगा, तो उसी को बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। ओके, सो द लेटेस्ट वर्जन ऑफ HTML इज HTML5। तो जैसे देखो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के वर्जन आते हैं वर्जन 1, 2, 3 जैसे अपडेट आते हैं, तो वैसे इसका भी 5 वर्जन चल रहा है, ठीक है, लॉन्ग टाइम से यही चल रहा है HTML5। नीचे क्या है, द मार्कअप लैंग्वेज इज अ वे दैट कंप्यूटर स्पीक टू ईच अदर टू कंट्रोल हाउ टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड। सो लाइक मैंने आपको बोला कि ये सिर्फ किसके लिए है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए, मार्कअप जो लैंग्वेज होती है ना वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए, और इससे ये क्या होती है बेसिकली ये सिर्फ फॉर्मेट करती है और डेटा को ये प्रोसेस नहीं कर पाती, ठीक है, डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाती, बट यहाँ पे देखो क्या कंट्रोल हाउ टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड। सो एक्चुअली ये प्रोसेस गलत है वहां पे, तो प्रोसेस नहीं बोलना चाहिए इसको, बस ये प्रेजेंट कर पाती है, ठीक है, मतलब हम लोग इस पे कोई लाइक देखो मैं HTML का यूज करके कोई भी एडिशन वगैरह नहीं कर सकता, लाइक मैंने 2 नंबर यहाँ पे प्रिंट किए 2 या 3, ऐसे मैंने 2+3 किया, सो इसका मतलब ऐसे नहीं कि उसकी एडिशन प्रिंट होगी यहाँ पे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट करेगा, ये आपके डेटा को लॉजिक लगा के वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये लैंग्वेज क्या है, बस डेटा को दिखाने के लिए, ओके, एक वेब पेज पे, ओके, ये समझा आपको अब तक जो मैंने लिया, 2 बातें समझ गई, ओके, यस, चलो ठीक है, ओके, सो हम लोग देखो एक लाइन लास्ट में दी, HTML uses 2 things, tags and attributes. अब हम लोग एक एक चीज, ये फंडामेंटल एलिमेंट्स है, ओके, HTML, तो हम लोग को इसको ध्यान से वो करना पड़ेगा, अगर ये हमको पता है तो आगे कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, what is tags and attributes, इसमें 2 fundamental, मतलब सबसे important चीजें हैं ये, tags and attributes, so basically, tags और attribute की क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि इस Amazon के वेब पेज पे हम लोग गए थे यहाँ पे, तो आप लोगों ने यहाँ पे काफी कुछ टैग्स देखा, राइट, देखो यहाँ पे HTML का कोड दिख रहा है आपको, राइट ना, काफी टैग दिख रहे हैं, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग वाले, ये जो मैंने अभी आपको बताया था ना H1 का, वैसे ये सब हर एक टैग है, ओके, ये भी देख, ड्यू टैग है, इनपुट टैग है, अलग अलग टैग्स है, ठीक है, इधर पे सब टैग बेस ही है, देखो स्पैन टैग है, अलग अलग टैग्स है, बट इसमें जो एट्रीब्यूट होता है ना वो एक्चुअली ये है, देखो क्लास इक्वल टू पर्टिकुलर कुछ नाम है, ओके, आईडी इक्वल टू पर्टिकुलर कुछ ना कुछ है, अभी यहाँ पे देखो रोल इक्वल टू लिस्ट आइटम लिखा है यहाँ पे, रोल इक्वल टू लिस्ट आइटम, तो ये एक एट्रीब्यूट है, रोल जो है ना हमारा रोल, ये एट्रीब्यूट है, ओके, हमारा देखो आईडी, ये एट्रीब्यूट है, ये क्लास एट्रीब्यूट, मतलब क्या कि टैग के, टैग जो होता है ना हमारा, टैग को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए जो चीज हम लोग यूज करते हैं वो है हमारा क्या है, एट्रीब्यूट, ओके, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, मतलब वो की वैल्यू पेयर में होता है, लाइक कैसे समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ, इधर पे देखो ये हमारा टैग है H1, एक सपोज, ओके, ये H1 हमारा टैग है, ये क्या है हमारा टैग, अब हम लोग अभी ये तो टैग आपको समझ में आ रहा है, बट एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं हम लोग, एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट, ओके, एट्रीब्यूट क्या है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मोस्ट ऑफ द टैग आपको दिखेंगे, लाइक मैंने चलो H1 का ही लेता एग्जांपल, H1 लिया मैंने, इसके अंदर देखो हाँ मैं पोजिशन बता रहा हूँ उसकी, ये हमारा टैग क्लोज हुआ है, यहाँ पे कुछ कॉन्टेंट होगा आपका, सिंपली आप कुछ भी डाल सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डालता हूँ माय नेम इज जाहिद, ओके, H1, इसको क्लोज किया, ओके, अच्छा ये बात कुछ रूल्स है यहाँ पे ध्यान रखने आपको, कि जो भी टैग अपन ओपन करेंगे उसको क्लोज भी करना, ठीक है, जो टैग हम लोग ओपन करेंगे उसको फॉरन क्लोज भी करना, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर वो क्लोज नहीं होगा तो उसका इफेक्ट जो है ना बीच में जितने भी चीजें आएंगी वो सबके ऊपर होगा, ठीक है, जब तक हम लोग क्लोज नहीं करते तब तक, समझा,
ओके देखो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, H1 के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, एट्रीब्यूट लिखेंगे, एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट। सो बेसिकली देखो एट्रीब्यूट इक्वल टू उसकी कुछ वैल्यू होती है यहाँ पे वैल्यू। तो आप बोलेंगे यार इसकी इसकी वैल्यू कैसे पता चलेगी, एट्रीब्यूट कैसे पता चलेगा, राइट हो सकता है ना, आप बोलेंगे कैसे पता चलेंगे। तो इसी को हम लोग को सीखना है पूरे एचटीएमएल में, कि हम लोग एट्रीब्यूट सीखेंगे अलग अलग तरह के, टैग सीखेंगे किस अलग अलग तरह के, ठीक है। तो एट्रीब्यूट क्या होता है बेसिकली, इस तरह से होता है, एट्रीब्यूट का नाम होता है यहाँ पे एट्रीब्यूट नेम एंड एट्रीब्यूट वैल्यू, ओके एट्रीब्यूट 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 वैल्यू, ओके समझे आपको ये? आया नहीं समझ में, आया कि नहीं आया कंफर्म करो प्लीज जल्दी जल्दी, हमारे पास टाइम। ओके सब लोग करना कंफर्म, कम से कम चैट में बता देना मुझे। ओके ठीक है। सो देखो एट्रीब्यूट क्या है, हमको हमारे टैग को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए, टैग को क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ओके इन्फो, एक्स्ट्रा इन्फो काफी है, ठीक है। टैग के साथ हम लोग क्या करते हैं, एट्रीब्यूट जो है हमारा वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए होता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझेगा ये एक्स्ट्रा इन्फो, और ये हम लोग टैग के लिए दे रहे, ठीक है। सो ऐसे हम लोग को क्या सीखना है, काफी सारे टैग सीखने हैं हम लोग, ठीक है, काफी सारे टैग रहेंगे और हमको एट्रीब्यूट भी सीखेंगे अलग अलग। सो स्टार्ट करते अगली स्लाइड से, ये तो समझा होगा ना आपको टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, अभी कंफ्यूजन नहीं है ना किसी का, या फिर क्वेश्चन नहीं है ना कुछ इसके ऊपर। ओके थोड़ा सा जल्दी टाइप करो आप लोग, ओके चलो ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। अभी देखो व्हाट आर एचटीएमएल टैग्स, तो मैंने आपको बताया tags are used to mark up the start of an html element and they are usually enclose an angle bracket, like maine aapko bataya na abhi, exactly wahi cheez hai yahan pe likhi hui ki har tag ko close kiya to open bhi, open job kiya to close bhi karna padega, okay, warna fir aisa hoga ki aap log 100 tag likhoge aur close hi nahi karoge to fir wo gadbad ho jayegi, jo pehla tag khula hai na uska meaning lag jayega sabko, uska jo effect hoga na wo sab lag jayega, theek hai sabko, aise nahi karna, jo tag le open kiya usko close bhi karna, theek hai। अब बात करते हैं व्हाट आर एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स। सो देखो एट्रीब्यूट्स कैन कंटेन एडिशनली पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैंने जैसे बताया आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन, ओके, जो हेल्प करती है हमारे टैग को, और वो कहाँ पे लिखते हैं वो ध्यान में रखना, ठीक है। हम लोग जब भी ब्रैकेट लाइक फर्स्ट एंगुलर ब्रैकेट ओपन किया उसका नाम लिख रहे हैं हम लोग H1, तो अभी मैंने दिखाया था देखो यहाँ पे पेंट में, यहाँ पे ही लिखेंगे वो, देखो इधर पे, मतलब पहले का जब एंगुलर ब्रैकेट खोलेंगे उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे कुछ ना कुछ टैग का, और एट्रीब्यूट की लिस्ट चालू हो जाएगी, एंड देन हम लोग उसको क्लोज करेंगे, ये दूसरे में लिखेंगे नहीं, ठीक है। एट्रीब्यूट हमेशा वही पे रहेंगे, उसकी भी लोकेशन है, ओके। तो यहाँ पे देखो लिखा है एलिमेंट दे आर यूजुअली एनक्लोज इन एंगल ब्रैकेट्स, एन एग्जांपल ऑफ अ टैग H1, ओके, ये हम लोग ने देखा ना एट्रीब्यूट की बात कर रहे थे। तो देखो इमेज एक तरह का टैग है, हमको ये हर एक टैग का मतलब है ना, तो इमेज का टैग क्या है, इमेज टैग का मतलब क्या है, इमेज दिखाने के लिए हमको वेब पेज पे, उसके साथ में देखो एट्रीब्यूट है। अब मुझे आप कौन कौन बताएगा इसमें कितने एट्रीब्यूट है, कौन कौन नहीं, आप लोग सभी मुझे मैसेज करके बताओ ताकि मुझे समझे फिर कितने एट्रीब्यूट है, ठीक है। या बी फास्ट, हमारे पास टाइम कम है ना, ओके, विच विच नाम के साथ में मुझे चाहिए, बस थोड़े आप लोग चैट में मैसेज भी कर सकते या यस यस या यस सर से या गुड वन राइट SRC और हमारे पास क्या है, ये दो तरह के एट्रीब्यूट है, हम भी दोनों का मीनिंग अलग है। देखो इस एग्जांपल को समझते हैं हम लोग ताकि और अच्छे से समझे आपको। देखो ये जो SRC है उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी पिक्चर का पाथ दे रहे, लोकेशन दे रहे, ठीक है, ताकि उसको मिले पिक्चर, ताकि वो दिखा सके, ठीक है। सो SRC का मतलब क्या है, सोर्स, मतलब हम लोग जब भी इमेज वगैरह होगा ना तो हम लोग उसको पाथ देंगे वहां पे। और अल्ट का मतलब क्या, अल्टरनेट टेक्स्ट, जब इमेज में कोई दिक्कत आती है या फिर इमेज नहीं मिलेगा तब वो टेक्स्ट दिखेगा, वो हम लोग सब स्लोली स्लोली देखेंगे जब टैग देखेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको आई थिंक इतना समझ में आया होगा टैग क्या है और एट्रीब्यूट क्या है, क्योंकि इसी के ऊपर सब कुछ खेल है। अभी आगे जब हम लोग CSS तक जाएंगे ना सब इसके ऊपर ही चलेगा, जावास्क्रिप्ट तक आपको इसकी मदद लगेगी, तो टैग और एट्रीब्यूट आपको पता ही होने चाहिए, आई होप आप भूलेंगे नहीं, अभी याद रहेगा आपको, ठीक।
तो लाइक थोड़ा सा कुछ रूल्स है उसके बारे में ध्यान में रखते हैं हम लोग रूल्स को. सो लेट सपोज देखो टैग्स मस्ट बी ओपन एंड क्लोज्ड विद द एलिमेंट इन्फॉर्मेशन सच एज टाइटल और टेक्स्ट और रिलेटिंग बिटवीन द टैग्स. जो मैंने आपको बोला पहला रूल कि अगर आप टैग ओपन कर रहे हैं तो बीच में कॉन्टेंट होगा और उसको एंड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से. अब दूसरा क्या है, व्हेन यूजिंग मल्टीपल टैग्स द टैग्स मस्ट बी क्लोज इन द ऑर्डर इन विच दे वेयर ओपन. मतलब क्या है, वही सेकंड जो मैंने बताया आपको, आपके पास हंड्रेड्स ऑफ टैग्स है सो आप अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए हमको क्या करना है, टैग को ओपन किया है तो उसी ऑर्डर में उसको बंद भी करना है, ऐसा ना हो कि उसमें उसके बीच में अलग अलग हम लोग यूज करेंगे. लाइक देखो अभी मैं आपको बताता हूँ वो उस कॉन्सेप्ट पे जाने वाले हम लोग, बट उसके पहले भी थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूँ. देख आपने एच वन यूज किया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप लिख रहे हैं कुछ माई टेक्स्ट इस तरह से, ठीक है, अभी मल्टीपल टैग्स है. अभी सोचो कि आपने पी टैग यूज किया पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ बनाने के लिए पी टैग यूज होता है, इसमें एच वन भी यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड एलिमेंट्स. लाइक हमने लिखा हेडिंग, मतलब क्या है कि हम लोगों ने एक टैग को ओपन किया, देन दूसरा टैग चालू किया, हेडिंग लिखा एंड दूसरे टैग को क्लोज किया, ठीक है, एंड देन हम लोग यहाँ पे हमारा कॉन्टेंट जो भी है वो लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कैसे भी, बट एक टैग के अंदर दूसरा टैग भी चलता है. बट इन ऑर्डर का मतलब क्या था, सेकंड रूल क्या बोलता है कि जब आप कोई टैग ओपन करें या उसके अंदर दूसरा टैग यूज कर रहे हैं तो उसको ऑर्डर में ही बंद करा करो, ठीक है, दैट्स अ, ये दूसरा रूल. अभी तीसरा क्या, ओके, जो भी एचटीएमएल का कोड होगा, अभी मैंने उस दिन भी बोला था कि आपका क्या होगा, अलग अलग आपके फॉर्मेट होंगे, राइट, जैसे सी वाले का डॉट सी होता है, वैसे एचटीएमएल का क्या है, वेब पेज बनाने के लिए. वेब पेज का मतलब मैंने पहले, अभी भी किसको क्लियर नहीं है कि वेब पेज, पता होगा आई थिंक, मैंने उस दिन ही बताया था, वेब पेज क्या होता है, बेसिकली अ सिंगल पेज, ओके, विच कंटेन द पीस ऑफ एचटीएमएल कोड विच इज रन ऑन और एग्जीक्यूटेड ब्राउजर, ओनली ब्राउजर, ओके, ठीक है. तो यहाँ पे देखो HTML tags are placed in .html and .html file. मतलब .htm चलेगी या फिर HTML. तो हम लोग basically prefer करेंगे .html हमेशा. मतलब कुछ भी लिखना है हमको file में और उसको .html से save करेंगे तो वो browser पे दिख जाएगा. Okay. So let's start. First हम लोग बनाते हैं हमारा HTML page, एक web page बनाते हैं हम लोग, ठीक है. But उसके लिए आपको क्या चाहिए? We need one editor, right? So I hope आपके पास कोई editor है क्या? या नहीं आप लोगों को एडिटर पता, लाइक सबलाइम एडिटर मैंने अभी बताया, ये नोटपैड भी चलेगा, बट हम लोग सबलाइम क्यों बोले, क्योंकि वो एकदम लाइट वेट है एंड साथ ही में उसके अंदर कुछ फीचर्स है हमारे ऑटो कम्प्लीट वाले, ठीक है, इसके लिए. वैसे आपके पास वीएस कोड होगा तभी भी चलेगा, कोई भी एडिटर चल जाएगा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते एक पेज को बेसिकली. तो अभी देखो HTML हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, पहली स्टेप देखना हम लोग क्या करने वाले, पहले हम लोग स्टेप बनाते फिर लिखेंगे फिर प्रैक्टिकल करेंगे. सो पहले क्या, क्रिएटिंग अ फाइल विथ डॉट विथ नेम लाइक इंडेक्स डॉट html, कुछ भी नाम दो आप, मैं इंडेक्स डॉट html दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसको आप कुछ भी दे सकते हैं. तो इस तरह से अभी सेकंड स्टेप क्या हमारी, कि हम लोग को क्या करना है, हम लोग को अभी उस फाइल को ओपन करना है किसी ब्राउजर में, सॉरी ओपन फाइल इन एनी एडिटर, हम लोग कोई भी एडिटर, लाइक सबलाइम है तो सबलाइम, वीएस कोड है तो वीएस कोड है, कोई भी जो आपके पास रहेगा. अभी मैं यहाँ पे मेरे पास जो है वीएस कोड है तो मैं उसको यूज कर रहा हूँ, आपके पास जो भी रहेगा वो चल जाएगा. वीएस कोड ही अच्छा है वैसे, अगर आपका लैपटॉप सही है तो उसको यूज कर सकते हैं. थर्ड स्टेप क्या है, हम लोग उसको ओपन करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, राइट सम HTML स्निपेट्स या फिर कोड बोलो, ठीक है, कोड तो नहीं भी बोलते बेसिकली, पर ठीक है हम लोग HTML का कुछ लिखेंगे उसमें. अभी आप सोच रहे होंगे यार हमें तो पता नहीं हम लोग क्या लिखेंगे, राइट, तो चलो empty फाइल बनाते हैं, उसको रन करके देखते हैं क्या मिलता है हमको. आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, मैं आपको बताऊंगा empty फाइल. सो इसको क्लोज करता हूं मैं. ओके, यहाँ पे इसको भी मैं क्लोज कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ एंड देन हम लोग क्या करेंगे, ओके VS कोड मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, वन मिनट ओनली. ठीक है, सो देखो यहाँ पे ये VS कोड है, ओके VS कोड एक एडिटर है. तो अभी हम लोग को एक सिंपल सी सिंपल फाइल ओपन करनी है, टेक्स्ट फाइल मैंने किया, ओके
एक फाइल क्रिएट करो सिंपल, मैं एक फोल्डर बनाते हैं यहाँ पे देखो, हम लोग करते हैं HTML आपका एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है, उसका यूज करेंगे प्रॉपर। अब फाइल को सेव करना है हम लोग को, तो मैं नाम देता हूँ इंडेक्स। अब आप बोलोगे .html कैसे, तो देखो मैं यहाँ पे चलता हूँ सिंपल, ओके इस तरह से मैंने सेव किया, एक फाइल हमारी बन गई, ओपन फोल्डर करते एक बार यहाँ पे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे index.html, ओके। सो देखो अभी हम लोग को क्या करना है, बेसिकली मैं कुछ भी नहीं कर रहा, ओके मैं ये फाइल को एम्प्टी रख रहा हूँ, और बट देखो आपने जैसे इसको .html से सेव किया तो उसके आगे एक आइकॉन आ गया HTML वाला आइकॉन, तो मैं इसको सिंपली रन करता हूँ, इसका मैं कॉपी पास्ट करूंगा या फिर फाइल के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, लाइक देखो ये फाइल जहाँ पे स्टोर है ना मैं वहां पे जाऊंगा, देखो इधर पे स्टोर है, मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा या फिर इसको ओपन विथ करूंगा, ओपन विथ हमारा गूगल क्रोम। देखो फाइल ओपन हो गई बट ये खाली है, बट ये क्या हमारा एक वेब पेज है, एक HTML की फाइल, एक वेब पेज, ओके। देन इंस्पेक्ट में चलते हैं हम लोग, बट आप लोग सोच रहे हैं ये तो एम्प्टी है, फिर यहाँ पे HTML का टैग वगैरह कैसे आ रहा है, यहाँ पे देखो बेसिकली कुछ टैग आ गया ऑटोमेटिकली ये पेज पे। आप सोच रहे हो यार ये क्या चीज है, राइट क्लिक किया मैंने, इंस्पेक्ट किया, ये क्या चीज है। सो बेसिकली देखो ये इंस्पेक्टर है, मतलब क्या करता है कि हमने जो वेब पेज होता है हमारा यहाँ पे जो भी दिखता है हमको उसका बेसिकली HTML का कोड हमको यहाँ पे दिखता है। तो आप बोलोगे यार इससे चोरी वगैरह होगी हमारे कोड की, तो सुन नहीं ऐसा मतलब होती है बट इट डजंट मैटर, काफी फाइल होती है ना तो सब कुछ फायदा नहीं है, ओके। बाद में आपको टेक्निक भी बताएंगे कैसे क्या करना है, बट फिलहाल के इतना याद रखो कि हम लोग जो भी यहाँ पे टैग्स होते हैं, हम लोग जो भी व्यू दिखता है तो HTML का कोड हमें एलिमेंट्स वाले टैग में दिखेगा, ओके। बाकी टैग हम लोग साथ साथ देखते रहेंगे क्या है कैसे है क्या, ओके। तो यहाँ पे फिलहाल को कंसिडर करो कि हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं था, हम लोगों ने फाइल एम्प्टी रखी फिर भी ये कोड आया, कुछ कोड आया, देखो यहाँ पे कुछ टैग्स आए, HTML ओपन, हेड टैग ओपन क्लोज, बॉडी टैग ओपन क्लोज एंड HTML क्लोज। सो बेसिकली ये है हमारे HTML एक बेसिक पेज का स्ट्रक्चर जो हमेशा हर पेज में होता है, ठीक है, इसके सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम लोग को क्या करना है, हम लोगों ने कुछ भी नहीं दिया, अगर हम लोगों ने सिर्फ .html से सेव किया फाइल को तो ये समझ जाता है, ब्राउजर समझ जाता है कि इसने कुछ तो HTML में किया है। सो वो क्या करता है, इंसर्ट कर लेता है यहाँ पे देखो HTML का टैग, हेड टैग और बॉडी टैग, ठीक है। बट हम लोग को उसके भरोसे नहीं रहना, हमको खुद करना है ना, हम लोग को क्या करना है, खुद करना है, खुद बनाएंगे हम लोग HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर। सो बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, उसको समझते हैं पहले तो, लाइक बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML पेज, इसका मीनिंग ये है कि हम लोग जब HTML का एक सादा सिंपल सा पेज बनाएंगे तो हमें कुछ उसके फीचर मतलब कुछ उसका सिंटैक्स लाइक सिंटैक्स नहीं बोलेंगे इसको बट एक स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा, ओके। सो बेसिक्स जो होते हैं ना रूट टैग मतलब बताऊंगा अभी मैं, देखो सबसे पहले होता है HTML टैग यहाँ पे, ओके HTML टैग ओपन, HTML टैग क्लोज, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से ये हम इसको पता चलेगा HTML का कुछ लिख रहे हैं हम लोग, HTML के अंदर इस टैग के अंदर लिख रहे हैं। अब क्या लिखना है, यहाँ पे होता है हेड टैग, इसका हर एक का मीनिंग है हम लोग समझेंगे पूरा मीनिंग इसका, बट ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर, हम लोगों ने अगर नहीं भी क्रिएट किया ना तो ये हो जाता है ऑटोमेटिकली क्रिएट, ब्राउजर समझ जाता है। तो इस तरह से क्या है, कितना सिंपल सा स्ट्रक्चर है, HTML का टैग ओपन किया है, हेड है, बॉडी है एंड HTML। अभी आपको समझने के लिए मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे कुछ डायग्राम निकालता हूँ, देखो ये है हमारा हेड, ओके ये हमारी बॉडी, ठीक है, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने एक डिजाइन निकाला। अब मैं इसको थोड़ा रेफर करता हूं इधर पे, यहां पे देखना, ठीक है, इधर पे थोड़ा सा उसको देखो, ठीक है, चल ठीक दिख रहा है वो, ओके। सो देखो ये जो है HTML है, तो समझो ये HTML है, ओके HTML का पेज, ये जो हेड है देखो ये है हमारा हेड, ओके ये बॉडी हमारी, ये बॉडी। अब आप बोलेंगे यार ये क्या लॉजिक हुआ, ये क्या मतलब क्या हुआ इसका। सो लुक नॉर्मली सोचो कि हम लोग हेड जो है
उसमें हमारा ब्रेन है, ओके ब्रेन ना ऐसे कुछ होता है, ओके ऐसे कुछ ना, ओके ठीक है इस तरह से, ये हमारा ब्रेन है। तो इसमें क्या होता है, ये सोचता है ना, सोचता यही है ना, ओके तो सोच रहा है सब कुछ, ये हेड में होता है। तो वैसे ही इस हेड में, इसमें क्या होगा कि कुछ लिंकिंग करना है हमने को, हम लोग को दूसरी फाइल के साथ में, लाइक अदर फाइल्स होंगे यहाँ पे, लाइक देखो अभी यहाँ पे अदर पर्सन है, लाइक देखो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बस यहाँ पे आपका दूसरा पर्सन है, ओके अब इसके बारे में सोच रहा है। सो कौन सोच रहा है, ये ब्रेन सोच रहा है, ओके ब्रेन कहाँ पे, हेड में, ओके इट्स नॉट बायोलॉजी बट चलो लिंक कर लेते हैं बस सिंपली। सो देखो ये हेड जो है ना हमारा, इसमें क्या क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि दूसरे फाइल की लिंकिंग होगी वहां पे, या फिर उसमें बेसिकली कुछ टाइटल के बारे में होगा, मतलब नाम के बारे में, ऐसे वैसे चीजें उसमें होगी, मेटा टैग्स होगा, हमारी साइट की इंफॉर्मेशन होगी, साइट की मतलब हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन होगी, ये सब उसमें होगा, ठीक है हेड में। अभी बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बाकी की चीजें होगी, लाइक हमारी साइट के अंदर जो बाकी की चीजें, लाइक मैंने टेबल डाला, इमेज डाली, या फिर कुछ कॉन्टेंट है मेरा, बाकी सब। अब आप बोलोगे ये कहाँ पे दिखेगा हम लोग को, हेड में जो मैं डालूंगा वो कहाँ पे दिखेगा, बॉडी में मैं कहाँ पे दिखेगा, अगर एचटीएमएल का मतलब क्या है, देखो देखो ये जो एचटीएमएल है ना ये हमारा रूट एलिमेंट है। रूट मतलब क्या, कि रूट मतलब ये है कि एक एलिमेंट है, अरे 10 मिनट से बाकी हमारे पास, ओके ये जो है ना हमारा रूट एलिमेंट है, मतलब एक बेसिक एक बेस है, ओके इसमें हम लोग जो भी करेंगे ना, ये हेड टैग और जो बॉडी टैग है ना इसमें करेंगे। तो हेड टैग का भी ज्यादा कुछ नहीं रोल है, हमको बस टाइटल या फिर मेटा टैग्स, मतलब साइट की इंफॉर्मेशन, हमारे वेब पेज की इंफॉर्मेशन, या फिर हमारे साइट के अंदर मतलब क्या क्या चीजें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या बाहर की साइट, बाहर की जो चीजें आपको यूज करनी है, लाइक दूसरी सीएसएस वगैरह यूज करनी, तो वहाँ पे लिंक लिखेंगे हम लोग, ठीक इस तरह के कामों के लिए। और भी है फेविकॉन वगैरह, तो दिखा दो मैं आपको क्या क्या है। और हम लोग जो भी करेंगे बॉडी में करेंगे, मतलब जो भी टैग हम लोग करेंगे, तो वो कहाँ पे दिखता है अभी मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखना, ये हमारी व्हाइट व्हाइट स्क्रीन दिख रही है आपको, इधर देखो ये व्हाइट, यहाँ से लेके यहाँ तक इधर पूरा, ये हमारा बॉडी टैग, ओके बॉडी टैग में जो भी लिखेंगे तो हमको यहाँ पे दिखेगा, ये व्हाइट एरिया में, ओके ये व्हाइट वाले एरिया में। अब आप सोच रहे होंगे फिर हेड वाला कहाँ पे लिखेगा, तो हेड वाला जो है ना वो देखो यहाँ पे दिखेगा, टाइटल है हमारे पेज का यहाँ पे दिखेगा, ओके लाइक देखो एचटीएमएल प्रेजेंटेशन जो दिख रहा है आपको, ये जो है ना ये टाइटल है हमारा, तो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, हेड में लिखेंगे, ठीक है उसके भी लिए एक टैग है, टाइटल टैग है हम लोग जो हेड में यूज करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा टाइटल दिखेगा। हम लोग इस तरह से फेविकॉन जो इसको बोलते हैं ना, आइकॉन जो दिख रहा है आपको, ये वाला, या फिर देखो ये वाला, ये इधर पे देखो गूगल वाला, तो ये जो आइकॉन है ना हम लोग सब कुछ कहाँ पे करने वाले, वो हेड टैग में करेंगे, ओके हेड टैग में, ये दो ऊपर की चीज, ये हेड आपका समझ लो, ठीक है यहाँ पे आपका हेड है, ये भी आपका हेड, ये भी है। अभी एक वेब पेज की बात करें, ठीक है सिंपल वेब पेज है हमारा इस तरह से। अब बॉडी में क्या है आपको समझ में आया, ये बॉडी, ओके जो भी आप बॉडी में लिखोगे वो इस वाइट एरिया में दिखेगा, ठीक है दैट्स इट सिंपल। और अभी आप बोलोगे कि ठीक है सो एचटीएमएल क्या है फिर, देखो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। सो ये एचटीएमएल है ना, देखो अभी ये तो थोड़ा सा अलग दिख रहा है, एक मिनट रुको बस, ओके अभी देखो ये जो जितना भी ब्लू एरिया है ना पूरा पूरा मतलब एकदम पूरा एचटीएमएल क्यों लगाते हैं, क्योंकि एक एचटीएमएल पेज है हमारा, ठीक है बेस रूट है ना वो, इसलिए बाकी सब हम लोग हेड में लिखेंगे जो यहाँ पे फिट करेगा। और भी चीजें हैं जो आप अभी तक नहीं बताए आपको, स्लोली स्लोली देखेंगे। और बॉडी में क्या करेंगे हम लोग, ये जो व्हाइट एरिया में जो हमको दिखाना है, इमेज है, पिक्चर है, वीडियोज है, या फिर हमको टेबल दिखाना है, कॉन्टेंट दिखाना है, सब बॉडी में लिखेंगे, ठीक इस तरह से सिंपल हम लोग क्या करते हैं अभी स्ट्रक्चर बनाते हैं टेबल। इस तरीके से ओके देन हम लोग अब सोच रहे हैं, देखो इतने सारे चीजें कहाँ से आई, मैंने तो बस एचटीएमएल टाइप किया था। तो एक्चुअली यही फायदा है हमारे किसका, ये एडिटर्स का, कि ये ऑटोमेटिकली समझ जाते हैं हमको, मतलब से क्या बोलते हैं इसको, सजेशन देते हैं, ठीक है इस तरीके से। ये सब हटा दो, अभी कुछ भी नहीं चाहिए हमको, ओके। तो आप लोग यहाँ पे देखो, मैंने आपको चार ये चीजें तो बता दी, बट ये ऊपर वाला क्या है आप सोच रहे हो, ये डॉक टाइप एचटीएमएल ये क्या है। सो उसका बेसिकली मतलब है कि हम लोग ये जो है ना HTML में जो नीचे यहाँ पे जो टैग यूज करने वाले हैं, तो वो है HTML5 वर्जन्स। तो एक्चुअली हुआ क्या था, पहले जो HTML हम लोग यूज करते थे ना, तो ब्राउजर इतने वो नहीं थे, इतने स्मार्ट नहीं थे, तो उस वक्त हमें बताना पड़ता था उनको कि HTML5 के हम लोग टैग यूज कर रहे हैं, सो प्लीज उसको भी प्रोसेस कर टैग को। सो टैग क्या करते हैं, उसके बीच वाला जो कॉन्टेंट होता है उसको प्रोसेस करते हैं, मतलब उस पर इफेक्ट लगाते हैं टैग का मीनिंग। सो देखो अभी मैं बॉडी के अंदर मैं एक सिंपल टैग लिख रहा हूँ H1,
जो हमारा है हेडिंग बनाने के लिए. सो मैं लिखता हूँ हेलो आई एम हेडिंग. देखो मैंने ओपन किया, क्लोज किया और बीच में कॉन्टेंट लिखा. अब आप सोचेंगे वही पेज पे जाऊंगा मैं, देखो रिफ्रेश करा मैंने, अब मुझे क्या दिख रहा है, हेलो आई एम हेडिंग. इस पे गया मैं, हेलो आई एम हेडिंग. देखो हेलो आई एम हेडिंग कहाँ पे आया, यहाँ पे. अब आप सोच रहे होंगे फिर हेड का क्या काम है, तो हेड में हम लोग एक टैग यूज करेंगे, टाइटल टैग. टाइटल टैग क्या है बेसिकली, ये टाइटल है ना ऊपर का, देखो यहाँ पे index.html में डालता हूँ, आप देखो माई वेब पेज. अब ये टाइटल आएगा देखो वहां पे, रिफ्रेश किया मैंने, माई वेब पेज दिख रहा है यहाँ पे. मतलब मैंने आपको सच्ची सच्ची बताया, राइट ना, ऐसा नहीं कि मैंने बस बोल दिया, मैंने प्रूफ करके दिखाया आपको. यहाँ पे दिख रहा है टाइटल, यहाँ पे आपको एच वर्ड टैग दिख रहा है बॉडी में. तो जो भी जितना भी कुछ करेंगे हम लोग सब बॉडी में करेंगे. सो अब आपको ये समझा होगा या आपको समझ आया बेसिक स्ट्रक्चर. ओके या चलो क्वेश्चन कुछ, किसी का कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन. ओके देखो यहाँ पे मैंने अभी हम लोग दो मिनट में, ये जो स्लाइड में कुछ भी नहीं है वही ये सब चीजें जो मैंने आपको बताई. देखो डॉक्टर एचटीएमएल जो मैंने आपको बोला वो किस लिए यूज करते हैं, दिस टैग स्पेसिफाइज द लैंग्वेज यू विल राइट ऑन द पेज. मतलब ये क्या बताएगा, स्पेसिफाई करेगा हम लोग कौन सा ये यूज कर रहे हैं वर्जन एचटीएमएल 5 का. ठीक है, हम लोग करंटली एचटीएमएल 5 का वर्जन यूज कर रहे हैं, 5 वर्जन यूज कर रहे हैं. अब नीचे देखो यहाँ पे एचटीएमएल दिस टैग सिग्नल्स दैट फ्रॉम हियर ऑन वी आर गोइंग टू राइट द एचटीएमएल कोड. Like मैंने बोला ये रूट एलिमेंट है, राइट, एचटीएमएल जो टैग है वो रूट टैग है, और उसके अंदर हम लोग क्या मतलब क्या बताते कि हम लोग एचटीएमएल का कोड इसके अंदर लिखने जा रहे हैं, ऐसे हम लोग बताते. देन हेड देखो, दिस इज वेयर ऑल द मेटा डेटा फॉर द पेज गोज, स्टफ मोस्टली मेंट फॉर सर्च इंजिन्स एंड अदर कंप्यूटर प्रोग्राम्स. मतलब क्या कि देखो मैं आपको मतलब यहाँ पे दिखा था, एक मिनट रुको बस, यहाँ पे गए आप लोग गूगल पे, google.com. ओके देखो एक चीज दिखा था यहाँ पे, इसको हटा देता हूँ. यहाँ पे देखना भी google.com पे गया मैं, और मैंने क्या किया यहाँ पे जाने के बाद में, मैं सिंपली क्या सर्च कर रहा हूँ, लाइक शॉपिंग. तो देखो मैंने शॉपिंग सर्च किया, बट देखो यहाँ पे एक चीज आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड लाइफस्टाइल मीडिया. आ रहा है कि सब कुछ दिख रहा है आपको, ये देखो ऑनलाइन शॉपिंग साइट फॉर फैशन एंड, ये मिंत्रा के नीचे आ रहा, देखो ये वाला इधर पे प्रोडक्ट्स एंड ऑल दैट. अभी मैं आपको साइट के ऊपर जाता हूँ और ये चीज दिखाता हूँ कहाँ पे है. देखो इंस्पेक्ट करते हम लोग, इंस्पेक्ट करने के बाद में इसके हेड टैग में चलते. देखो यहाँ पे भी बॉडी है, सेम टू सेम है ना सब कुछ, देखा आप लोगों ने, इतनी बड़ी बड़ी साइट है पर उसमें क्या एचटीएमएल ही है, तो इंपॉर्टेंट है ना इसका. अभी नीचे देखना है यहाँ पे हेड के अंदर मैं ओपन कर रहा हूँ. ओके टाइटल देखो, ऊपर जो टाइटल है वो दिख रहा है, देखो यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन मेन किड्स वाला ऊपर वाला. ओके अभी देखना और एक चीज दिखा था आपको मैं. ओके जो आपने देखा था वहां पे, आपने जब से मैंने गूगल पे दिखाया था वो इतना सारा कंटेंट साइट के बारे में, मतलब साइट की डिस्क्रिप्शन, साइट के बारे में इंफॉर्मेशन, वो भी हेड टैग में होती है. लाइक उसके लिए अलग टैग है मेटा टैग, उसमें हम लोग लिखते हैं. ठीक है, वो देखेंगे हम लोग स्लोली स्लोली, बट आपको जस्ट मैंने एक बता दिया वहां पे. चलो ठीक है, आया समझ में हेड टैग का मीनिंग. एंड बॉडी तो मैंने आपको बोला है कि वो कंटेंट हम लोग जितना भी बॉडी में टैग्स ऐड करेंगे वो आपको व्हाइट वाले एरिया में दिखेगा. लाइक देखो इस तरह से हेड टैग है, उसमें ये अलग पार्ट है, बॉडी में हम लोग जो भी लिखना है वो बॉडी में लिखेंगे. तो हम लोगों ने फाइल भी क्रिएट की, बेसिक स्ट्रक्चर भी पढ़ा और वेब पेज देखा कैसे हम लोग रन करते हैं. ठीक है, सो अगले सेशन से हम लोग क्या करेंगे, अभी दो मिनट्स बाकी है, वैसे दो मिनट बाकी है, बट फिर भी हम लोग अगले सेशन से मेटा टैग है और जो आगे के हेडिंग टैग है ये सब पढ़ना चालू करेंगे. ठीक है, तो आप लोग रिवाइज, अभी तो मैं रिकॉर्ड किया है, इसको रिकॉर्ड स्टॉप कर देता हूँ मैं पहले तो.